आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी इसे पढ़ रहा है उसके लिए यह कोई सहयोग नहीं है। आप इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। प्रक्रिया पर विश्वास करें। टाइप ओम नमः शिव। महादेव जी कहते हैं, पुनर्स्थापना, नई शुरुआत, सफलताएं, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। ये संघर्ष मई में आपका पीछा नहीं करेगा। ये यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहा है। आप एक उत्तरजीवी हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठाता रहता हूँ। मैंने अभी तक आपको कभी असफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूँगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं जिससे आप गुजरे हैं, और अच्छी खबर यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। 1111 में आपसे हर तरह की चिंता, भय, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ, और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंगाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1111 टाइप करें। ये दैवीय अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वो सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊँगा। आपसे जो कुछ भी चुराया गया है वो घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधा डाल रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। रात के 10:22 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीषों और अनुग्रह के दुगुने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो रात के 10:22 टाइप करें। सभी परीक्षणों, क्लेशों, दिल के दर्द और असफलताओं के लिए जो आपने सहे होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुँचा रहा है और तनाव दे रहा है उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजनाएं, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वो वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। वो सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। जो आप अपने दम पर नहीं कर पाए महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है, और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भाग विश्वास में बने रहना है
घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहें कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की कृपा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर हैं, जो उसने आपके लिए रखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो भी मत। आप इसे बनाने जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने वित्त, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालात कितने भी खराब क्यों न हों, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन काश चीजों को अलग करने में बिताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना, यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस कुरूप स्थिति से कुछ सुंदर लाने जा रहा हूँ। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में चार बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। दो, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। ये रास्ते पर है। तीन, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। चार, आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप महादेव जी में जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिक बनने की ओर, उधार लेने से उधार देने की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वो सीमा जो आपको रोके हुए थी अब तोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उन वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल आपने अकेले बिताए, साल आपने गलत व्यवहार किए, आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, गढ़ नीचे आ रहे हैं और एहसान जारी किया जा रहा है। रुके हुए विकार समाप्त हो रहे हैं। आप ऊंचे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वो सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपके भ्रम को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने डर का सामना करें। महानता चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं, भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं, रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत खोइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 5555 आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं माने, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचने में मदद की जहाँ तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना न भूलें। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूँ, ड्रग्स नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत हूँ, शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ।
सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आएं, दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वो है नीचे रखना। ओटा लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद लें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मेरे लिए ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जियो, पाप से भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं, आपने वो सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए, आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।